जय हिंद दोस्तों, मैं निर्भय आपका एक बार फिर से टेक चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जिस प्रकार से आपकी रिक्वेस्ट आ रही थी पाइथन को लेकर, क्योंकि मैंने बोर्ड कराया था आपको ऊप्स जावास्क्रिप्ट नोड जेएस सीएसएस और पाइथन में, तो आप में से कम 54% लोगों ने पाइथन को चूज़ किया था। तो आप सब चाहते हैं कि मैं पाइथन को पढ़ाऊँ, तो आज इस वीडियो में हम पाइथन को स्टार्ट करते हैं। पाइथन के इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे, पाइथन की थोड़ी बहुत हिस्ट्री के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, आज इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहूंगा कि अगर आप इस चैनल में पहली बार आए तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं समय समय पर आपके लिए ऐसी ही वीडियोस लाता रहता हूं। तो दोस्तों, मैं कैसे बर्बाद है कि आप वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हम आज के समय की बात करते हैं, जैसे कि 2021, इसमें सबसे ज़्यादा पॉपुलर लैंग्वेज अगर हम बात करते हैं तो दो ही लैंग्वेज हमारे सामने आती हैं, पहली है जावास्क्रिप्ट और दूसरी है पाइथन। तो आखिर जावास्क्रिप्ट और पाइथन आपका इतना ज़्यादा पॉपुलर क्यों है, क्यों ज़्यादातर सभी लोग पाइथन या जावास्क्रिप्ट पर काम कर रहे हैं? इसका सबसे बड़ा कारण है इसका मल्टीपर्पज़ होना, यानी कि आप इसे कई जगह यूज़ कर सकते हैं, कई तरीके से यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हम पाइथन को वेब डेवलपमेंट में यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि सर्वर साइट पर हम यूज़ कर सकते हैं इसे जेंगो की मदद से। जेंगो जो है पाइथन का एक फ्रेमवर्क है, जिसकी मदद से आप एक सर्वर साइट को डिज़ाइन कर सकते हैं वेब डेवलपमेंट के लिए। पाइथन का यूज आप साइंटिफिक कैलकुलेशन के लिए यूज कर सकते हैं। पाइथन का यूज आप एक रोबोटिक्स में यूज कर सकते हैं। पाइथन का यूज आप सिस्टम स्क्रिप्ट लिखने के लिए यूज कर सकते हैं, मैथमेटिक्स के लिए यूज कर सकते हैं, यानी कि मल्टीपर्पज है। इसी प्रकार से जावास्क्रिप्ट है, जावास्क्रिप्ट में अगर आपको सर्वर साइड यूज करना है आप नोड जेएस या फिर एक्सप्रेस का यूज कर सकते हैं। फ्रंट एंड के लिए आपके पास रिएक्ट है, व्यू है, एंगुलर है, ऐसे काफ़ी ज़्यादा फ्रेमवर्क्स और आपके पास लाइब्रेरीज अवेलेबल होती हैं, और यही कारण होता है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ज़्यादा पॉपुलर होने का। पाइथन लैंग्वेज कुछ लोग बोलते हैं कि जावा से इंस्पायर्ड है, जावा से इंस्पायर्ड नहीं है। अगर आप देखेंगे हकीकत में तो पाइथन जो है वो जावा से भी पहले आई हुई है, यानी कि पाइथन पे काम होना, स्टार्ट होना वो जावा से भी पहले हो चुका था, यानी कि जावा का जब अस्तित्व नहीं था तब पाइथन पे काम हो रहा था। आपकी जो पाइथन है वो 1985 से लेकर 1991 तक आ चुकी थी, यानी कि तकरीबन 1989 तक पाइथन आपकी बन चुकी थी, और इसे ऑफिशियली लॉन्च कर दिया गया था आपका 1991 में। पाइथन काफी ज्यादा सिंपल लैंग्वेज है, क्योंकि पाइथन में जब आप कुछ कोड करेंगे तो समझ लीजिए आप इंग्लिश में ही कोड कर रहे हैं, यानी कि एकदम सिंपल लैंग्वेज है इंग्लिश की तरीके से। जैसे कि अगर आपको कुछ प्रिंट करना है तो आपको सिंपली लिखना पड़ेगा प्रिंट, और पैरेंथेसिस के अंदर आप कुछ भी लिखेंगे वो आपका प्रिंट हो जाएगा। आपको सी लैंग्वेज की तरह, C++ की तरह, जावा की तरह 5-6 लाइन लिखकर कोई एक आउटपुट नहीं देना है, आपको सिंपली लिखना है प्रिंट और कुछ भी डाटा प्रिंट हो जाएगा, है ना, इतने कमाल की लैंग्वेज। आपने कोई भी फाइल बनाई, सपोज चीज़ें आपने हेलो वर्ड का एक प्रोग्राम बनाया, तो आपको सिंपली लिखना है प्रिंट हेलो वर्ड, और उसको कंट्रोल एस से सेव करके कहीं भी आप लिख सकते हैं, किसी भी एडिटर का यूज़ कर सकते हैं, नोटपैड का यूज़ कर सकते हैं। जब आप उसे सेव करेंगे तो फाइल का नेम आप कुछ भी लिख दीजिए, जैसे कि आपने लिख दिया हेलो, तो आपको यहाँ पर एक्सटेंशन में .py जरूर देना पड़ेगा। .py आपका पाइथन का एक्सटेंशन होता है, यानी कि जब आप .py लिखेंगे तो आपका पूरा जो सिस्टम है वो समझ जाएगा कि ये जो फाइल है वो पाइथन की फाइल है। अगर हम इसके क्रिएटर की बात करते हैं तो इनका नाम है गाइडोमन रोशुम, हालांकि इसे कई प्रकार से प्रोनाउंस किया जाता है, आप किसी प्रकार से कर सकते हैं। इसकी स्पेलिंग ये है, मैं जो आपके सामने डिस्प्ले कर दूंगा। ऑफिशियली 1991 में लॉन्च हो चुकी थी। अगर हम इससे कुछ एडवांटेजेस की बात करें तो इनमें सबसे ज़्यादा जरूरी तो यही है कि ये मल्टीपर्पज़ यूज़ होता है। दूसरा, इसे मल्टी प्लेटफॉर्म भी है, यानी कि आप इसे विंडोज़ पे यूज़ कर सकते हैं, मैक पे यूज़ कर सकते हैं, लिनक्स पे यूज़ कर सकते हैं, किसी भी एक प्लेटफॉर्म पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अगले इसके एडवांटेज ये है कि हम इसको कम लाइनों में कोड लिख सकते हैं, जैसे कि प्रिंटएफ का मैंने आपको एग्जांपल दिया, आप सी में लिखते हैं, C++ में लिखते हैं, जावा में लिखते हैं, आपको कम से कम 5 लाइन लिखनी पड़ती है एक मैसेज को प्रिंट कराने के लिए। वही पाइथन में आपको एक ही लाइन लिखनी और मैसेज प्रिंट हो जाएगा, तो कम लाइन में आप एक कोड को लिख सकते हैं, सिंपल तरीके से आप कोड को लिख सकते हैं। जैसे कि आप जावा में लिखते थे system.out.println, तब जाके कुछ मैसेज प्रिंट होता था। C++ में लिखते थे आप cout और insertion extraction जो भी आपके ऑपरेटर थे उनको लिखते थे, तब जाके आपका मैसेज प्रिंट होता था। उससे पहले भी आपको कुछ हेडर फाइल इंक्लूड करनी पड़ती थी, सेम में आपको हेडर फाइल इंक्लूड करनी पड़ती थी, उसके बाद आपको printf लिखना पड़ता था। पाइथन में अभी कोई भी फाइल इंक्लूड नहीं करनी है, आपको सिंपली लिखना प्रिंट, काम खत्म। सिंपल लैंग्वेज है, इंग्लिश की तरीके से यूज कर सकते हैं। अगली जो इसकी इंपॉर्टेंट या एडवांटेज चीज है वो है इंटरप्रेटेड होना, यानी कि पाइथन आपका इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, ये इंटरप्रेटर को यूज करते हैं। अब इंटरप्रेटर क्या होता है मैंने आपको बताया था, आपके तीन तरीके के ट्रांसलेटर होते हैं कंप्यूटर लैंग्वेज में, होता है कंपाइलर, दूसरा होता है आपका इंटरप्रेटर, और तीसरा होता है आपका असेंबलर। इंटरप्रेटर कुछ इस प्रकार का होता है कि वो आपके पूरे प्रोग्राम को लाइन बाई लाइन एग्जीक्यूट करता है, यानी कि आपने कुछ भी लाइन लिखी, आपने जैसे इसमें एंटर प्रेस करेंगे आप, आपको जो इंटरप्रेटर उस लाइन को तुरंत रीड कर लेगा, यानी कि लाइन लिखते ही आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा वो चीज़। जब भी कोई लैंग्वेज इंटरप्रेटर यूज़ करते हैं तो बाई डिफॉल्ट उसमें कुछ सिक्योरिटी फीचर्स तो ऐड हो ही जाते हैं,
दूसरा क्या है कि पाइथन जो है वो आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को भी सपोर्ट करता है, फंक्शनल को भी सपोर्ट करता है, प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को भी सपोर्ट करता है। यानी कि आप पाइथन को किसी भी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। आप चाहते हैं पाइथन का क्लास क्रिएट करना, क्लास क्रिएट कर दीजिए। आप चाहते हैं ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यूज़ कर लीजिए। कंस्ट्रक्टर चाहते हैं, कंस्ट्रक्टर यूज़ कर लीजिए। आप चाहते हैं फंक्शन के हिसाब से काम हो तो फंक्शन यूज़ कर लीजिए। वेरिएबल बनाने की जब बात आती है तो यहाँ पर आपको कोई वेरिएबल का नाम नहीं देना पड़ता है, आपको सिंपली एक वेरिएबल का नाम लिखना पड़ता है, असाइनमेंट ऑपरेटर लगाकर आपको उसमें कोई भी वैल्यू असाइन कर देनी पड़ती है। C++ या जावा की तरह है, आपको किसी एक वेरिएबल का डाटा टाइप नहीं देना पड़ता है कि आपको बताना पड़ेगा भाई ये वेरिएबल जो इसी तरीके की वैल्यू को होल्ड करेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जो पाइथन का जो सिंटैक्स है वो भी इतना ज़्यादा सिंपल है कि आप सोच नहीं सकते। जैसे कि आप जब जावा या सी या C++ में फंक्शंस का यूज़ करते हैं तो आपको उसकी बॉडी के लिए कर्ली ब्रैकेट लगाना पड़ता है, पर यहाँ पर आपको कर्ली ब्रैकेट नहीं लगाना पड़ता है, आपको यहाँ पर इंडेंटेशन बोलते हैं हम उसको, इंडेंट बोलते हैं, यानी कि कुछ स्पेस आपको देने पड़ते हैं, उन स्पेस के हिसाब से काम चलता है। हालांकि आने वाली वीडियोस में हम उसके बारे में समझेंगे। और जब भी आप किसी बॉडी को यूज़ कर रहे होते हैं तो आपको कॉलन का यूज़ करना पड़ता है, यहाँ पर आपको कर्ली ब्रैकेट की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। तो पाइथन का सिंटैक्स भी काफ़ी ज़्यादा ईजी है, पाइथन को समझना बहुत ईजी है। पाइथन को आप एज अ बिगिनर भी पढ़ सकते हैं, पाइथन को आप एज अ एक्सपीरियंस भी पढ़ सकते हैं। यानी कि अगर आप जावा या C++ पढ़ के आए तो काफ़ी ज़्यादा और ईजी हो जाएगी, क्योंकि आपको पहले से ही पता होगा कॉन्सेप्ट लूप्स का, फंक्शंस का, कंट्रोल स्टेटमेंट्स का। पर अगर आप बिगिनर्स भी हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जीरो से भी पाइथन को स्टार्ट कर सकते हैं और कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसीलिए आप देखेंगे हमारी सरकार ने 6th क्लास से प्रोग्रामिंग को अनिवार्य कर दिया। अनिवार्य से मतलब हमारा ये है कि आप चाहें तो 6th क्लास से भी कोडिंग को सीख सकते हैं। आप देखेंगे उधर कि ज्यादातर जो एक लैंग्वेज उधर मिलेगी आपको वो मिलेगी आपको पाइथन। पाइथन क्यों मिल रही है? पाइथन 7th क्लास में भी देख लीजिए आप, ICSE बोर्ड उठा लीजिए, CBSE बोर्ड उठा लीजिए, 9th में मिल जाएगी, 10th में मिल जाएगी। क्यों मिल रही है? क्योंकि काफी ज्यादा ईजी है। आपको उधर सी नहीं मिलेगी, सी मिलती होगी पुरानी जो भी आपके सिलेबस थे उसमें मिल जाती होगी, आज के जो सिलेबस है उसमें आपको सी नहीं मिलेगी, आपको उसमें पाइथन मिलेगी। हालांकि आज की डेट में तो जावा भी नहीं मिल रही है, आपको पाइथन सिखाया जा रहा है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ईजी है। इसलिए पाइथन को रन करने के लिए आपको सिस्टम में पाइथन को इंस्टॉल करना पड़ता है, वो मैं आपको अपने अगली वीडियो में बता दूंगा। उसके लिए आप चाहें तो कोई भी टेक्स्ट एडिटर का यूज़ कर सकते हैं लिखने के लिए फाइल को, या फिर आप कोई IDE या फिर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट जिसे आप बोलते हैं, जिसके अंदर आप एक पाइथन के प्रोजेक्ट को रख सकते हैं। अगर आप एक बड़ा प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो आपको IDE का यूज़ करना पड़ेगा। आप चाहें तो BS कोड एडिटर में भी काम कर सकते हैं। तो अपने अगले वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार से आप पाइथन को इंस्टॉल करके एक छोटा सा प्रोग्राम को रन कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो कृपया इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। अगर इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।